हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझाया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जब मैं लास्ट में एंड कर रहा था तो मैंने आप लोगों को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बताई थी, जिनका यूज़ आज डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा क्या होता है, तो प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को समझने के लिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हमको फोकस करना होगा डिकम्पोजिशन वर्ड पे। डिकम्पोजिशन जो वर्ड होता है, इसको अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो इसमें आप लोगों को ये डिकम्पोज वर्ड मिलेगा। अगर आप लोग ज़रा ध्यान से सोचें, डिकम्पोज का मतलब होता क्या है, तो डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक, यानी कि टूटना। मतलब सर, ऐसी रिएक्शन हो रही होगी जिसमें कुछ टूट रहा होगा, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ टूट रहा होगा उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्या ऐसा हम एनालिसिस कर सकते हैं? मे बी लगभग आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, परंतु डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली में क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए मिनिमम, वर्ड पर ध्यान देना, मिनिमम वन रिएक्टेंट आर कंपल्सरी टू डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमारे पास में मिनिमम वन रिएक्टेंट होना चाहिए। अब मान लीजिए वन रिएक्टेंट अगर होना चाहिए, तो वो रिएक्टेंट हमने सपोज कीजिए कि हमने माना उसे ए, ठीक है। अब ये जो वन रिएक्टेंट है, ये अगर ब्रेक हो जाए यानी कि टूट जाए, कितने पार्ट्स में टूटेगा? मिनिमम देखो, कोई भी, जैसे कि मान के चलें कि आपके पास में जैसे ये एक मार्कर है, ये एक रिएक्टेंट के रूप में है, मैं किसी भी तरीके से अगर इसको ब्रेक कर दूं, इसे तोड़ दूं, तो मिनिमम ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? मिनिमम ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मैक्सिमम सर, मैक्सिमम इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो ये मिनिमम टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मान के चलें कि एक रिएक्टेंट है जो कि ए है, अगर हम इसे ब्रेक कर देते हैं और ये बी और सी पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक हमने बेस बना लिया समझने के लिए। इसको भी प्रॉपर तरीके से हमें समझना रहेगा कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। तो आप बोलेंगे मिनिमम वन रिएक्टेंट आर कंपल्सरी टू डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और इसमें अगर प्रॉपर तरीके से अगर आपको डेफिनेशन देनी है, तो आप बोलेंगे व्हेन अ रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू सेवरल पार्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि एक रिएक्टेंट अगर ब्रेक हो करके बहुत सारे भागों में बदल जाता है, उसी को ही हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप बोलोगे सर एक चीज बताइए, क्या कोई भी रिएक्टेंट अपने आप ब्रेक हो जाएगा क्या? क्या कोई रिएक्टेंट अपने आप टूट जाएगा क्या? तो मैं कहूँगा अपने आप कोई भी रिएक्टेंट नहीं टूटता है, उसके लिए सेवरल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट रहती हैं। तो सेवरल कंडीशंस मतलब सर कैसे? जैसे बेटा ज़्यादा ध्यान देना, जैसे मैंने कहा ये मार्कर है, इस मार्कर को मुझे ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो बेटा देखो मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ, एक प्रेशर लगा रहा हूँ, फोर्स भी लगा रहा हूँ, एक प्रेशर भी लगा रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से ये ब्रेक हो जाए, टूट जाए, है ना। तो ये इसकी नेसेसरी कंडीशंस हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो भी आपके घरों में वेजिटेबल मैटर्स होते हैं, जैसे खाने पीने की जो सब्जियां होती हैं, जैसे सब्जियों को आप पकाते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, जैसे मान के चलें आपने लिया पोटैटो, ठीक है। अब अगर आपने पोटैटो लिया है और आप चाहते हैं कि पोटैटो को हम खा लें, तो कच्चा पोटैटो कौन खाएगा? रॉ पोटैटो कोई खाएगा? नहीं खाएगा। तो आप क्या करेंगे, उस पोटैटो को बॉयल होने के लिए या डायरेक्ट हम उसको हीट में रख देंगे,
कुछ लोगों के घरों में जैसे गांव वगैरह से रिलेटेड जो फील होते हैं लोग बाग, तो वो क्या करते हैं अपने चूल्हे के अंदर उस आलू को रख देते हैं और उसमें क्या होता है हीट मिलती है और वो आलू क्या होता है कुछ मिनट के बाद में 10 से 15 मिनट के बाद में वो क्या होता है पक जाता है। तो यानी कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो चुके हैं ब्रेक हो चुके हैं। किसकी वजह से? हीट की वजह से। अगर मान लीजिए जैसे कि ग्लास है, अभी ग्लास है तो देखने में तो एक ही ग्लास है, अब मैं चाहता हूँ कि ये ग्लास टूट जाए, सेवरल पार्ट्स में टूट जाए, तो मैं क्या करूँगा इसके ऊपर एक प्रेशर लगा रहा हूँ भैया टूट जाओ। तो इसके लिए इसको ब्रेक करने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी, इसके लिए होगी कि इसके ऊपर हम क्या करेंगे प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो कोई भी रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में अगर जैसे टूट जाता है, मिनिमम वन रिएक्टेंट आर कंपल्सरी टू डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, यही रिएक्शन कहलाती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कभी भी आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगी आपके पास में, आप लोगों के एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा, सीधी सीधी बेटा आप लोगों को एक रिएक्शन दे दी जाएगी और रिएक्शन देने के बाद में आपसे बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज़, यानी किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन ये है आइडेंटिफाई आप करें। तो उसके लिए बेटा आपको जस्ट एक कॉमन सेंस लगाना है और आप उस वक्त ये कॉन्सेप्ट जहाँ तक है कि बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने इसे उससे लिंक किया है कि जो भी इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो वर्ड है वर्ड पकड़ा करो कि डिकम्पोज, डिकम्पोजिशन बना किससे, डिकम्पोज से, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है टूटना, ठीक है। तो यहाँ पर सर 100% एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें टूटने की बात हो रही होगी या फिर वो ब्रेक डाउन हो रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए अब एक चीज़ बताओ, जैसे मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको एक एग्जांपल बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए मिनिमम आपको 2 रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ में जोड़ना है तो मिनिमम 2 रिएक्टेंट आर कंपल्सरी, ठीक है ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं एक ही मार्कर को इसी से ही जोड़ दूं, बोलना भी अजीब सा लग रहा है, सुनने में भी आपको अजीब सा लग रहा होगा कि एक ही चीज़ को खुद से ही कैसे कोई जोड़ सकता है, इसीलिए वहाँ कॉम्बिनेशन वर्ड यूज़ किया था। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो मिनिमम 2 रिएक्टेंट आर कंपल्सरी टू डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया तो यहाँ पर कंडीशन रहेगी कि मिनिमम 1 रिएक्टेंट आर कंपल्सरी टू डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और व्हेन अ केमिकल रिएक्टेंट रिएक्ट या व्हेन अ केमिकल रिएक्टेंट डिकम्पोज एंड फॉर्म मिनिमम 2 प्रोडक्ट आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। सर आप जरा एक चीज बताएं, मिनिमम तो एक होना चाहिए। अब इसके साथ साथ आपको जैसे ये बुक के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड एक चीज़ बताया गया है कि आप ऐसा सोचें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आपने आज के समय पे स्वच्छता अभियान के बारे में बहुत सुना होगा। आज के समय पे घरों के सामने गाड़ी कचरा गाड़ी आ जाती है लेने के लिए, तो उसमें बेटा 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है ग्रीन सेक्शन, एक होता है ड्राई सेक्शन, ठीक है। जो ग्रीन सेक्शन होता है उसमें क्या होता है घर के अंदर जितनी भी सब्जियों की जो वेस्टेज होता है, सब्जियों का जो वेस्टेज होता है उसे ग्रीन वेस्ट कहते हैं, और उसको क्या करते हैं उसको उस वाले सेक्शन में हम डालते हैं, और जो नॉर्मल जो सूखा कचरा होता है उसको हम दूसरे वाले सेक्शन में डालते हैं। सर वो सूखे वाले कचरे को तो सर ऐसे ही फेंक देते हैं या कहीं पर जा करके वो अपना एक स्टोरेज कर देते हैं, उसका हीप बना देते हैं, हीप मतलब बहुत बड़ा गट्ठर बना देते हैं। पर सर ग्रीन वेस्ट का क्या करते होंगे, ग्रीन वेस्ट का क्या करते, ग्रीन वेस्ट मतलब यही सब्जियों की छिकलन वगैरह ये सब जो लेके जाते हैं हर घर से, तो इनका सर वो करते क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्रीन वेस्ट होता है इसको ले जा करके ये बनाते हैं कॉम्पोस्ट। सर ये कॉम्पोस्ट क्या होता है और कॉम्पोस्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कहाँ से आ गया, बात तो सही है, बताते हैं बेटा क्या होता है। एक जगह होती है, खाली जगह होती है, उसमें गड्ढा खोद लिया जाता है, उसमें जाकर के ये जो ग्रीन वेस्ट होता है उसको डाल दिया जाता है,
डंप कर दिया जाता है उसमें, और ऊपर से उसे प्रॉपर तरीके से ढक दिया जाता है ताकि उसके अंदर क्या है, एयर एंटर ना करे, और इस प्रकार से उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन इसके अंदर ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ये जो आपने ग्रीन वेस्ट जो इसके अंदर डंप किया है, इसको जो डाला है इसके अंदर, तो वो क्या होता है, वो टूटता है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जब वो टूटता है तो 10 से 15 दिन के बाद में जब आप गड्ढा खोद करके फिर से देखते हैं तो वो ब्लैक कलर का एक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, वही आपका कहलाता है कॉम्पोस्ट। और कॉम्पोस्ट का सर बनाने का आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका कुछ तो एडवांटेज होगा, तो बेटा इसका एडवांटेज बस इतना ही है कि ये एक तरीके का हमारे लिए मैन्योर है, क्योंकि जब हम मैन्योर मतलब एक प्रकार से देसी खाद, प्राकृतिक खाद, जब हम इसे खेतों के अंदर जब डालते हैं तो खेतों के अंदर डालने से जो मिट्टी के अंदर जो फर्टाइलनेस होती है, उपजाऊपन जो होता है, वो क्या हो जाता है, और ज़्यादा अच्छा आ जाता है, मिट्टी के अंदर ह्यूमस नेचर आ जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ मैंने बताई, तो कहने का मतलब ये था कि जो ग्रीन वेस्ट का जो हमने कॉम्पोस्ट फॉर्मेशन बनाया, तो ग्रीन वेस्ट में भी क्या किया हमने, डिकम्पोज किया, उसको ब्रेक डाउन किया, तो वो भी किस प्रकार की रिएक्शन थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, क्या कभी भी किसी भी चीज़ को अगर हम जैसे तोड़ते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को जैसे तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने पर क्या सर हीट रिलीज होती है, क्या हीट देनी पड़ती है कुछ तो रिएक्शन में, और कुछ जगह पर क्या होता है, जैसे कि अगर जैसे डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो क्या हीट रिलीज होती है, क्या हीट अगर रिलीज़ हो रही होगी तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, उसके लिए बेटा आप प्रीवियस वीडियो पर जाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है लास्ट में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, तो जैसे कि आपकी बुक के अंदर जरा आप देखेंगे तो पेज नंबर आप 7 देखेंगे तो उसके अंदर बाकायदा ये चीज़ बताई गई है, जो थर्ड पॉइंट है लास्ट में बोला गया है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जब भी आप वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन करते हैं कॉम्पोस्ट बनाने के लिए, तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, तो वेजिटेबल मैटर को डिकम्पोज करके जो कॉम्पोस्ट फॉर्मेशन किया जाता है, इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब सर जब ये आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में इतना बता दिया है, तो आप इसके हिसाब से हमको एक्टिविटी 1.5 आप बता दें, एक्टिविटी 1.5 आप बता देंगे तो हमारा थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेटा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत प्रकार की होती है, मतलब बहुत प्रकार से मतलब ये है कि आपके 10th क्लास के अंदर जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना तो मैं बताऊंगा, ठीक है। और भी सेवरल टाइप्स की होती हैं, पर उसका आपका यूज़ नहीं है बताने को, मैं थोड़ा बहुत हिंट दूंगा आपको, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, देखो बेटा प्रकार यानी कि टाइप्स जो होते हैं वो उसके माने जाते हैं उसके तोड़ने के तरीके पे, मतलब हम किस तरीके से तोड़ रहे हैं। अगर हम हीट दे करके तोड़ रहे होंगे तो यहाँ लिखेंगे तो वो किस प्रकार का डिकम्पोजिशन होगा, अगर हम प्रेशर लगा करके तोड़ रहे होंगे तो वो किस प्रकार का डिकम्पोजिशन होगा, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करके अगर तोड़ रहे होंगे तो किस प्रकार का डिकम्पोजिशन होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने किस जरिए उस रिएक्टेंट को तोड़ा है, उस जरिए ही हम उसका टाइप मेंशन कर देते हैं। कैसे समझाता हूँ तो बेटा ज़रा ध्यान देना, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत प्रकार की है, पर आप लोगों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 3 प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना रहेगा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, एक होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये ऐसे प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितने टाइप्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा सेटअप हो जाएगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन बेटा मतलब क्या होता है। मैंने पहले ही बोला हर चीज़ के शब्दों पर जाया करो, थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है गर्म करना, हीट करना, यानी कि ऐसे तोड़ो गर्म करके,
किसी भी सब्सटेंस को गर्म करके तोड़ दो, यानी कि हीट करके तोड़ दो, तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ठीक है, अभी इनके सबके मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। अब दूसरे टाइप का कौन सा होता है, जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बेटा जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है, जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इसका मतलब, या फिर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो, या इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हो, मतलब एक ही है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, करंट, लाइसिस हो, लाइटिक हो, इसका मतलब ही डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन का मतलब तो डिकम्पोजिशन है ही, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस बोल दिया जाता है ना। पानी को जो तोड़ते हैं हम, वो इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता चल रहा है कि कोई भी एक रिएक्टेंट जिसे हम तोड़ना चाह रहे हैं, पर तोड़ने के लिए हमने बिजली का उपयोग किया है, करंट का उपयोग किया है, तो इस प्रकार का डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे 10th में चैप्टर सेकंड के अंदर, जो चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो थर्ड डिकम्पोजिशन जो इसके अंदर जो पूछा जा रहा है वो, या बताया गया है, वो है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइटिक। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोगों ने सन से रेज आती हैं, मतलब आप लोग ऐसे समझ लीजिए लाइट, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, ये प्रकाश पड़ोसी वाला प्रकाश नहीं है, ठीक है, ये प्रकाश मतलब है लाइट, रोशनी। ठीक है, कुछ रिएक्शंस या कुछ रिएक्टेंट रोशनी की उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इस प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लाइट का यूज़ करते हैं, लाइट का यूज़ करने पर वो रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाता है टू और मोर प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इस प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। सर आपने जस्ट बता दिया है ऐसे ही, और सर इसके बाद में और भी कोई डिकम्पोजिशन होता है क्या, कितने प्रकार के डिकम्पोजिशन होते होंगे? तो बेटा सुनो, ये 3 प्रकार के तो आपके बुक्स के अंदर दिए हुए हैं, मेंशन नहीं किया गया कि कौन से टाइप के हैं, बस इनके एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म कराई गई हैं, तो वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हैं। और कितने प्रकार के हो सकते हैं बेटा? बहुत प्रकार के हो सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? सोचो ज़रा ध्यान से, आपने एक संगीत सुना होगा जिसका नाम होता है ओपेरा, तो उसमें मैंने अभी कुछ वीडियोस देखे थे, तो उसमें एक संगीतकार हैं, महिला हैं कोई, उनका नाम मुझे नहीं पता, तो उन्होंने अपनी आवाज़ से कांच के गिलास को तोड़ दिया। तो मान के चले कि ग्लास क्या है, एक प्रकार से एक रिएक्टेंट है, और उन्होंने अपनी वॉइस फ्रिक्वेंसी से उसको तोड़ दिया, तो ये किस प्रकार का डिकम्पोजिशन हुआ? एक प्रकार से साउंड डिकम्पोजिशन हो गया, कान फोड़ दिए भाई इसने तो, इतनी जोर से चिल्ला रहा है, तो ये क्या कर रहा है? साउंड डिकम्पोजिशन कर रहा है। जस्ट एक बोलने का एक तरीका है, पर जो यहाँ पर जो आवाज़ से जो ये ग्लास तोड़ा है, इसमें किस तरीके का यूज़ किया गया, किस एक्सटर्नल मटेरियल का यूज़ किया गया? वॉइस का। और वॉइस ने क्या किया होगा, एक प्रकार से जाकर के उसके ऊपर प्रेशर किया होगा, और प्रेशर करने पर वो टूट गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया। अब कुछ बोलेंगे, सर हम लोग तो सर मेंटली डिकम्पोज हो चुके हैं, हम लोगों को इतना पढ़ाया जाता है या इतना लोड हो गया कि सर हमारा माइंड जो है एक रिएक्टेंट है, और ये इतना प्रेशर दे रहे हैं कि हमारा मेंटली डिकम्पोज हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग जस्ट एक ह्यूमरस वे में लें, और चीज़ों को समझने के लिए हमेशा हर जगह साइंस का यूज़ करें, है ना। कोई अगर तुम्हें बोल रहा है कि अगर तुम्हारे रिजल्ट अगर ख़राब हो गया तो तुम्हें इतना कूटेंगे कि तुम मेंटली डिकम्पोज और फिजिकली डिकम्पोज हर तरीके से हो जाओगे, तो बात भी करो ना तो साइंस की लैंग्वेज में करो। क्यों? क्योंकि ये टर्मोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं हम, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, आप उसको समझने के लिए आपको उसे फील करना होगा, उसे जीना होगा, तो ही बेटा साइंस आती है, वरना मजाक नहीं है कि आपने सिर्फ बस लिख लिया, क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, कॉन्सेप्ट बता दिए, आपने रट्टा मार लिया है। आप आगे
कोई भी एग्ज़ाम फो मतलब फेज ही नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपने उसे रटा हुआ है। ठीक है, तो ट्राई टू बी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि किसी भी प्रकार से आप लोगों को अपना फोकस नहीं हटाना है, उस चीज़ को महसूस करो, फील करो। जैसे मैं अभी आपको एक्टिविटी 1.5 को फील कराता हूँ। ठीक है, ध्यान देना भैया। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1.5, और एक्टिविटी 1.5 के अंदर क्या है ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखें कि एक्टिविटी 1.5 बोला गया है। बेटा इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला गया है कि एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। ध्यान देना, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। सर बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, बॉइलिंग ट्यूब क्या होता है? सर आपने इससे पहले टेस्ट ट्यूब का तो बताया था, ऐसी ट्यूब, ऐसी नली जिसमें हम किसी भी प्रकार का टेस्ट करते हो उसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ये तो बॉइलिंग ट्यूब है। तो सर ऐसी ट्यूब जिसका उपयोग हम किसी भी रिएक्टेंट को या किसी भी चीज़ को बॉइल करने के लिए करते हो, उबालने के लिए करते हो, गर्म करने के लिए करते हो, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, तो ये बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। अब इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि 2 ग्राम यानी 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स वी टेक इन टेस्ट ट्यूब या फिर बॉइलिंग ट्यूब। तो बेटा इसमें ये बोला गया है कि आप लोगों को 2 ग्राम यानी 2 ग्राम इसके अंदर फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है। अब भैया फिर ना बोलना कोई मेरे से कि सर फॉर्मूला कैसे आया, हमें बताओ। मैंने पहले ही कहा जिसको लगता है कि फॉर्मूला कैसे बनता है कमेंट करें, बताएं कि आपको इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि 9th का टॉपिक है। अगर आप लोग सभी बोलोगे, मेरे को अगर कमेंट अच्छे खासे मिलेंगे तो मैं देखूंगा, मुझे समझ में आएगा कि यार मेरे बच्चों को ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि 2 ग्राम आपको फेरस सल्फेट लेना है, और उसके बाद बोला गया है कि इसी जो बॉइलिंग ट्यूब को एक बर्नर के ऊपर रख देना है, मतलब इसको हीट करना है। अच्छा, हीट करने के बाद में बोला जा रहा है कि हीट करने से पहले फेरस सल्फेट का कलर क्या था और हीट करने के बाद में फेरस सल्फेट का कलर क्या हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा रही हैं। अब ज़रा ध्यान देना बेटा, आप लोग ज़रा ध्यान देना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये फेरस सल्फेट बोला जरूर गया है। एक्चुअली मैं फेरस सल्फेट का जो ये कलर है, ध्यान देना, फेरस सल्फेट का जो ये कलर है वो इसके अंदर कैसा कलर है, इसके अंदर ग्रीन कलर है। आप लोगों को अगर ना पता हो तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल्स हैं इसका जो कलर है वो कैसा है, इसका कलर ग्रीन है। और ग्रीन है तो ये कहाँ बताया हुआ है, ये आपकी बुक के अंदर बताया है। ठीक है, तो ये फेरस सल्फेट के बारे में बताया गया है कि इसका जो कलर है वो ग्रीन टाइप का है, हरे कलर का है। और ये ग्रीन कलर का होने के साथ साथ, सर एक चीज़ बताइए, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो कलर होता है वो कलर किसकी वजह से आता है? वो आता है प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर, यानी जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, क्रिस्टल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल गैप में या फिर वॉइड में ट्रैप्ड रहते हैं, यानी कि छिपे हुए रहते हैं। इस वजह से किसी भी क्रिस्टल का या ज़्यादातर क्रिस्टल्स का कलर वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। बेटा देखो, आप लोगों को ये .7H2O मेंशन नहीं किया हुआ है रिएक्शन में, तो मैंने भी आपको मेंशन नहीं किया था, पर मैंने आपको इसलिए यहाँ पर .7H2 लिख दिया है ताकि आपको ये समझ में आए, कोई ये ना कल कहे कि सर आपने तो यहाँ मेंशन नहीं किया था और जो क्रिस्टल के अंदर जो कलर आया वो तो पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से आता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब जैसे कि इसकी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को जरा देखें। यहाँ पर बोला गया है आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं इसे, फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अब जरा देखें तो यहाँ पर फेरस सल्फेट, बेटा ये किस रूप में लिया है हमने, ये तो क्रिस्टल रूप में लिया, तो क्रिस्टल क्या होता है, इसके अंदर सॉलिड रूप में होता है। अब सर आपने इसको क्या किया, हीट किया। तो भैया मैंने बोला था अगर हमें किसी भी चीज़ को रिएक्शन को कराने के लिए अगर मुझे हीट देनी पड़े तो ये किस प्रकार की रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो गई।
सर इसे जब आपने हीट किया तो क्या हुआ? हीट किया तो बेटा इसके अंदर, ध्यान से देखना, इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर एक सॉलिड के रूप में एक फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, तो उसकी स्टेट ऐसे रिप्रेजेंट कर दी। इसके साथ में बेटा इसके अंदर से सल्फर डाई ऑक्साइड और इसके अंदर सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये दोनों गैसें निकलेंगी। वो गैसें बेटा यहाँ से ऐसे उड़ती हुई ऊपर जा रही होंगी। आया समझ में? इस तरीके से। अच्छा सर एक और चीज़ बताओ कि जब इसमें से जो गैसें निकल रही होंगी, अगर सर धोखे से सर अगर मैंने स्मेल कर लिया तो क्या मैं मर जाऊंगा? क्या? अरे मरोगे नहीं, मतलब ये कि पॉइजनस होती हैं और थोड़ी सी बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है ना, तो इनको थोड़ा सा आपकी मर्जी है, देखो भाई कैसे सूंघोगे। हाँ इतना ज़रूर है कि पहले जो इसका कलर जो मैंने आपको बताया, जो इसका लाइट ग्रीन टाइप का रहता है, ग्रीन या लाइट ग्रीन बोल सकते हो, परंतु जब इसके अंदर से मैं वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दूंगा, क्योंकि जब गर्म करूंगा तो इसमें से तो वाटर पेपर्स भी निकल जाएंगी, तो जब वाटर पेपर्स निकल जाएंगी तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा, या फिर बोल सकती हो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान देना कि जब हम इस रिएक्शन को लिख रहे हैं, इस रिएक्शन में मैंने .7H2O मेंशन नहीं किया है। .7H2O जैसे बेटा अगर मैं यहाँ पर .7H2O अगर मैं यहाँ पर मेंशन करता, ध्यान देना, तो मुझे यहाँ पर 7H2O भी मेंशन करना पड़ता। ठीक है, क्यों करना पड़ता? उसके पीछे का रीज़न है कि आप लोगों ने जब भी केमिकल इक्वेशन लिखना सीखी है तो आप लोगों को मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा। रिएक्टेंट में फेरस सल्फेट था तो हमने फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना लिया। सर आपने इसको बैलेंस नहीं किया, बेटा बैलेंसिंग मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, आप लोग कर सकते हैं, है ना? तो सर कराई दो। अब मेरे बच्चे नादान तो हैं और नादान के साथ में मानेंगे भी नहीं, तो ज़रा ध्यान दें कि ये फेरस सल्फेट को अगर अपन ऐसे करते हैं ट्वाइस ऑफ FeSO4 और इससे हमको Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड ये प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो चुकी है, और सर ये .7H2O अगर रहेगा, .7H2O रहेगा तो ये 2 इसके लिए भी रहेगा, तो मे भी हो सकता है कि ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पर 7 की जगह पर 14H2O आ जाए। वो तब होगा जब आप इस H2O को इसके लिए यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी के माने हुए आप लोग यहाँ पर, और जो ये 2 है तो इसका इससे मल्टीप्लाई होने पर आपको पता चलेगा कि रिएक्टेंट में 14 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी था, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में आपको 14 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी ही दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में जितनी चीज़ें होती हैं उतनी ही प्रोडक्ट साइड में रिप्रेजेंट करनी पड़ती हैं। हमारी बुक के अंदर .7H2O नहीं दिया गया है तो हमने प्रोडक्ट साइड में 7H2O लिखा भी नहीं है, पर एक्चुअली में .7H2O है। क्यों है? क्योंकि उसी की वजह से तो हमारा फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल्स है उसका कलर लाइट ग्रीन है। ठीक है, उसका कलर कैसा है? लाइट ग्रीन है। और जब हमने हीट किया तो हीट करने पर उसके अंदर से ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड तो उड़ गया, साथ साथ में जो वाटर वेपर्स जो थे वो भी हीट होकर के वेपराइज होकर के उड़ गए, जिसकी वजह से अब क्रिस्टल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना होने की वजह से अब इसके अंदर जिसकी वजह से कलर था वो है ही नहीं, तो इसलिए इसका कलर कैसा हो गया? कलरलेस बोल सकते हैं, वाइट हो गया। ठीक है, अब आप एक और चीज़ देखें सर, देखो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, ठीक है, इसमें एक रिएक्टेंट है, तो एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट से सर दो या फिर दो से अधिक प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो क्या सर हम इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे? हाँ कहेंगे। अच्छा एक और चीज़, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने ये कहा था कि मिनिमम वन रिएक्टेंट आर कंपलसरी टू डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या सर इसके अत्यधिक भी हो सकता है, क्या इससे मैक्सिमम भी हो सकता है, क्या सर ऐसा आ जाए कि दो रिएक्टेंट आ जाए और फिर डिकम्पोज हो? तो बेटा आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि 10th क्लास की NCERT तक आप लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिफाइन इस तरीके से की गई है। आपको बताया गया है कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट
ब्रेक डाउन टू इट्स प्रोडक्ट्स, यानी कि एक ही सिंगल प्रोडक्ट, एक ही सिंगल रिएक्टेंट आपको लेना है और वो किसी भी तरीके से अगर ब्रेक हो जाता है और वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो जब आप लोग हायर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज और भी मिलेगा, जो कि मैंने अभी जो मिनिमम वर्ड यूज़ किया था वो आपको हायर केमिस्ट्री के अंदर मिलेगा, तो थोड़ा बहुत आपको उस वक्त समझ में आएगा। मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में और अंदर गहराई में लेकर के जाऊँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको टेंथ को फोकस्ड करना है प्रॉपर तरीके से, नीट वगैरह को भी अगर जैसे आप आगे चल के फोकस्ड करना चाह रहे हैं तो वहाँ तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू इट्स प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सब तरीके से ही क्या हो गया कि एक्टिविटी 1.5 क्या है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से आपको एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो वो एग्जाम्पल आप और देख लें अच्छी तरीके से। जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले जब क्वेश्चन कराया था, या मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब समझाई थी, तब मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बताया था। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को अपन क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब अभी समझाऊंगा आप लोगों को। सर देखो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जब ज़मीन की खुदाई करते हैं तो जो पोतने वाला जो चूना मिलता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ये कैसे मिलता है, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में मिलता है। और कभी भी आपको पता हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, कैल्शियम कार्बोनेट को नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इस ये दीवारों पर नहीं पोता जाता। तो ये इसके अंदर क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज़मीन खोदते हैं, बड़े बड़े पत्थर निकालते हैं, तो लाइमस्टोन के पत्थर निकलते हैं, उसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में ले जाकर के उनको गर्म करते हैं मतलब, तो फिर उसके अंदर से क्या निकलता है सर, एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है इसलिए वो उड़ जाती है, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड है। इसी को सर आपने बताया था क्विक लाइम, इसी को कहा था आपने क्विक लाइम। और बेटा यही क्विक लाइम आपकी मार्केट में शॉप्स पर अवेलेबल होता है, जिसे आप लोग खरीद करके लाते हैं, फिर इसे पानी में भिगाते हैं, फिर ये जब घोल बन जाता है, इसका सॉल्यूशन बन जाता है, तब आप उसको पोतते हैं, उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम कहते हैं। तो ज़मीन से डायरेक्ट हमको कैल्शियम ऑक्साइड नहीं मिलता, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है सर, ये जो आपने हमको बताया ये किस प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो अभी आपने टाइप्स बताए थे उसमें से किस प्रकार की है, तो ध्यान करो, इससे पहले मैंने फेरासल्फेट लिया था, उसको भी गर्म किया था, इसको भी मैंने बेटा क्या किया है, हीट किया है, गर्म किया है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें मैं गर्म करके किसी भी चीज़ को तोड़ रहा हूँ, डिकम्पोज कर रहा हूँ, तो ऐसी रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन के हैं। समझ में आया? आप लोगों को थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, और अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप लोगों का दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर अब हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन तो एटलीस्ट अब हमारे दिमाग से कभी नहीं जाएगा। तो उसके लिए बेटा आप लोगों को एक्टिविटी 1.6 देखना रहेगा। एक्टिविटी 1.6 के अंदर क्या बोला गया है, ऐसे ही एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, इस बार फेरस सल्फेट ना लेते हुए इसके अंदर एक दूसरा सैंपल लेना है। वो सैंपल का नाम है लेड नाइट्रेट। क्या नाम है? लेड नाइट्रेट। तो ज़रा ध्यान से देखें, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ऐसे बनता है। तो ये आपने लेड नाइट्रेट ले लिया, लेड नाइट्रेट सर ये किस फॉर्म में है? आप लोगों सर ये भी बेटा क्रिस्टल फॉर्म में ही होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट आपने ले लिया। अब जरा ध्यान देना कि जब ये आप लेड नाइट्रेट ले लोगे, तो लेड नाइट्रेट लेने के बाद में आप क्या करेंगे, इसे बर्नर के ऊपर रख देंगे और इसे हीट करेंगे। तो सर इसमें से भी क्या होगा, इसमें से भी गैस रिलीज होगी।
ध्यान देना। तो लेड नाइट्रेट लेंगे, इसके अंदर से क्या होगा, इसके अंदर से भी गैस रिलीज होगी। और अब एक और चीज़ ज़रा समझना ध्यान से, तो जो लेड नाइट्रेट आपने लिया इसमें से गैस रिलीज हो रही है सर, तो इसमें से कौन सी गैस रिलीज होगी, इसके अंदर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि गैसियस फॉर्म में इसमें से रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। और सर ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इसके अंदर से जो ये निकलेगी सर, इसका कलर क्या होगा, इसका कलर बेटा अगर आप देखोगे तो इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा ब्राउन। इसका कलर क्या है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर निकलेगा, यानी कि आपको इसमें से मटमैले कलर की, मिट्टी के जैसे कलर की आपको इसमें से गैस निकलते हुए दिखेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से सर इसके अंदर से और भी कोई गैस निकलेगी क्या, हाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो निकलेगी जो मटमैले कलर की होगी, और इसमें से ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी जो कि कलरलेस होगी, जिसका कोई कलर नहीं होता है। कलर जो आपको दिखेगा ना भूरे कलर का, ब्राउन कलर का, मटमैले कलर का, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। ऑक्सीजन तो कलरलेस होती है, बताओ हवा में ऑक्सीजन है कि नहीं, 21% ऑक्सीजन है, पर दिख रहा है क्या कोई कलर, कलरलेस है, ठीक है, तो इसका कोई कलर नहीं है, ठीक, कलरलेस है। तो इसके अंदर से क्या होगा, यहाँ पर हमने लेड नाइट्रेट को जब हीट करके जब डिकम्पोज किया तो इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमको मिलते हैं। और सर इसके साथ में और भी कुछ मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है। यहाँ पर एक हमें सॉलिड फॉर्म में एक प्रोडक्ट मिलेगा, वो है लेड ऑक्साइड का, ठीक है। चलिए अब इसकी ज़रा केमिकल रिएक्शन को अपन लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये लेड नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट को जब हमने ले लिया और इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, लेड ऑक्साइड मिलेगा क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा क्या, ऑक्सीजन। ये दोनों ही गैसियस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पर भी आपने इसको हीट किया, हीट करने पर ही एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में ये क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, और यहाँ पर हीट करने से ये ऐसा हो रहा है, इसलिए इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगी। बात आई क्लियर आप लोगों को समझ में, ठीक है। अच्छा सर, सर इसको बैलेंसिंग करने के लिए, बैलेंसिंग अगर आप करोगे तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो बेटा आप लोगों के ऊपर है ये, अगर आप बैलेंसिंग अगर आप करना चाहते हो तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। और बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये अगर आप लोगों को समझना है तो बेटा आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने एक अलग से बैलेंसिंग इक्वेशन को बैलेंस करने के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया। यहाँ तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है ताकि इतना ज़्यादा समय एक ही चीज़ को बार बार बताने में ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया है, यहाँ पर ये टू है, तो यहाँ पर ये टू लेड ऑक्साइड हो जाएगा और यहाँ पर फोर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा और इसमें सिंगल ऑक्सीजन निकलेगा। जब आप सारी चीज़ों को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों तरफ के एटम्स, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड सभी के सभी कैसे हैं, स्टेबल हैं, बैलेंस्ड हैं। और मैंने जो डायरेक्ट लिख दिया टू टू फोर, ऐसे नहीं बैलेंस करते हैं, इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, आप उस तरीके से करें। हमें कैसे पता होगा सर, तो वो प्रीवियस वीडियो आप लोग जाकर के देखें जिसमें मैंने बाकायदा जो थंबनेल आपको मिलेगी उसमें लिखा हुआ है हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन या हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ओके, तो उसको आप देख लें। तो ये एक्टिविटी 1.6 के बारे में भी मैंने बता दिया कि ये एक्टिविटी 1.5, 1.6 ये दोनों ही एक एग्जाम्पल हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के, ठीक है। इसके बाद में अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइसिस की, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा इलेक्ट्रोलाइसिस को भी ज़रा आप देखें, एक्टिविटी 1.7 को भी देख लेते हैं। तो बेटा ज़रा ध्यान दें, एक्टिविटी 1.7, एक्टिविटी 1.7 के अंदर क्या बोला गया है आप लोगों से कि सर ये एक हमारे पास में, ये हमारे पास में एक कोई प्लास्टिक का मग है, इसमें हमने सर दो इलेक्ट्रोड ले लिए हैं, ठीक है, इसमें हमने कोई दो इलेक्ट्रोड ले लिए हैं, इसको सर हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, एक को नेगेटिव टर्मिनल से, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिया है, और सर हमने यहाँ पर पानी ले लिया है,
और सर इसके अंदर ये जो पानी था ये तो डिस्टिल्ड वाटर था, पर इसके अंदर आयंस लाने के लिए हमने थोड़ा सा इसके अंदर या तो नमक मिला दिया है या फिर एसिड या बेस मिला दिया ताकि इसके अंदर आयंस आ जाएँ। और सर फिर हमने जब इलेक्ट्रिक करंट जब यहाँ से सप्लाई किया तो यहाँ पर सर हमें एक जगह पर हाइड्रोजन गैस और एक जगह पर ऑक्सीजन गैस मिलेगा। और ये एक्चुअल में अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म होते हुए देखना है तो अभी इस वक्त आप लोगों को इस साइड में कार्ड बटन दिख रहा होगा, इस कार्ड बटन पर आप लोगों को ये प्रैक्टिकल मैंने बताया हुआ, तो इस पर क्लिक करें, ये पहले पूरा देखें, उसके बाद में आप इस इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझें। सबसे पहले जल्दी से जाएँ, कार्ड बटन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, क्या दिख रहा होगा, यही जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट में आप लोग देख लेना कार्ड बटन पर, और यहाँ पर मैं अब आपको प्रॉपर तरीके से इसका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बताता हूँ। देखो बेटा, जैसे ये पानी का पानी है इसके अंदर, सर पानी है, ठीक है, अब क्या चाह रहे होगा, देखो बेटा अगर ये पानी है तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ब्रेक कैसे किया, इसको तोड़ा कैसे, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई करके। तो यहाँ पर ये कौन सा इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हो, ये कौन सा डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इसी को, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पानी का मॉलिक्यूल्स है सर, तो ये किन में कन्वर्ट हो जाते हैं सर, इसमें हमको मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लिया करो कि हाइड्रोजन दो थे तो दो हैं, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर एक है, तो इसके दो बनाने के लिए ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे चार, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को चार बनाएंगे तो इसके लिए आगे टू का मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधी सी बात है, हमको जब ये एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने बोला, जब आप देखोगे तो आपको जो चीज़ यहाँ पर हो रही है वो वहाँ पर भी होते हुए दिखेगी। क्या, देखो पानी के दो मॉलिक्यूल हैं, अगर वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से टूट रहे हैं तो पानी के दो मॉलिक्यूल्स में से आपको दो मॉलिक्यूल तो आपको मिलेंगे हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल मिलेगा आपको ऑक्सीजन का। कहने का मतलब ये हुआ कि पानी जब टूटेगा तो दुगनी मात्रा में आपको मिलेगी हाइड्रोजन और आधी मात्रा में आपको मिलेगी ऑक्सीजन। आधी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी मतलब किसके कंपैरिजन में, आधी मात्रा में हाइड्रोजन के कंपैरिजन में आपको आधी मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने अगर गौर किया हो, यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए दो या दो से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। पर कुछ ज्ञानी होंगे, कुछ दिमाग लगा रहे होंगे, कुछ बिल्कुल ही घुस करके दिमाग लगा रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे, सोचो। देखो सर, आपने बोला था ये पानी है, डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, अगर आप इसमें करंट फ्लो करोगे तो ये ब्रेक होगा ही नहीं, ब्रेक होने के लिए आपको इसमें थोड़ा बहुत पहले से इसमें आयंस लाने पड़ेंगे, और आयंस लाने के लिए आपने बोला था या तो नमक मिला दो या एसिड मिला दो या बेस मिला दो, तो इसका मतलब रिएक्टेंट के साथ में अकेला पानी नहीं था, एसिड भी होगा या फिर बेस होगा या फिर NaCl होगा, नमक होगा, जो भी कुछ हो, तो सर वो भी होगा, और अगर वो इधर है तो वो सर इधर भी होगा, क्योंकि रिएक्टेंट में अगर वो चीज़ अवेलेबल है तो प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए। और आपने पढ़ाया है, ध्यान देना, आपने पढ़ाया है कि केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है उसके अंदर हर वो छोटी से छोटी जानकारी दी जाती है जो हमने एक्चुअल प्रैक्टिकल में की हो। और आपने ये भी बोला अभी कि ओनली सिंगल रिएक्टेंट अगर ब्रेक होकर के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें तो अगर एक्चुअल केमिकल इक्वेशन को लिखने के तरीके पर आए तो इसमें तो सर वो दूसरा वाला रिएक्टेंट भी लिखना पड़ेगा जो आपने भले ही थोड़ी ही मात्रा में क्यों ना मिलाया हो आयंस फॉर्म करने के लिए, तो उस हिसाब से तो सर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फॉलो ही नहीं करेगा, उसके डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि आपने बोला एक ही रिएक्टेंट जरूरी है। बेटा ध्यान दिया हो, जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोगों को बोला था मिनिमम वन रिएक्टेंट आर कंपलसरी, वो शब्द इसलिए बोला था क्योंकि मैंने अब थोड़ी देर पहले भी बोला है कि जब आप हायर केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तब आपको इसमें थोड़े से चेंजेस और मिलेंगे, अभी आपको उतना ज़्यादा डीपली नहीं घुसना है कि यहाँ पर वो होगा तो फिर ये तो पॉलिसी ख़त्म कर रहा है, पॉलिसी ख़त्म कर रहा है मतलब कि एक रिएक्टेंट वाली बात थी वही टूटेगा तो जाकर के डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनेगा, पर इसमें तो
दूसरी चीज़ भी बता रहे हो आप, और फिर उस हिसाब से तो फिर ये डेफिनेशन फॉलो ही नहीं करेगा बेटा। इसीलिए मैंने कहा मेरे शब्दों पे ध्यान दिया करो, मैंने मिनिमम बोला था। और वो क्या सोच करके बोला था, वो मैंने हायर केमिस्ट्री को सोच करके बोला था, जो ग्रेजुएशन लेवल से भी ऊपर की है, मास्टर्स के लेवल की है, तो वहाँ का लेवल मैंने बताया था। अब वो निकल गया, पता है तो बोल दिया यार, क्या करें। पर आप लोगों को अभी इसमें उस छोटी सी चीज़ को इंक्लूड करके यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। कभी भी अगर मान लीजिए आपको कभी ये फील होगी सर मुझे मान लो बुक से मतलब नहीं है, मुझे तो बिल्कुल एक्यूरेट सीखना है, बिल्कुल सटीक सीखना है, रिसर्च करनी है, आगे जा करके मुझे खुद की कुछ इक्वेशन थ्योरम्स बनानी है, रिसर्चर बनना है, तो बेटा आप लोगों को फिर प्रॉपर तरीके से उतनी गहराई में पढ़ना होगा जो मैं बता रहा था, ठीक है। फिर आपको ये भी समझना होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है ओनली सिंगल रिएक्टेंट के लिए वैलिड नहीं है, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस भी होता है, ठीक है। फिर उतनी गहराइयों को पढ़ोगे फिर वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी। टेंथ तक के लेवल के लिए, ट्वेल्थ तक के लेवल के लिए आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन इतना ही समझना है जितना मैंने बताया। हल्की फुल्की जो इसके अंदर अपन ने जो एडिशनल जो दूसरी चीज़ें जो डाली हैं उनको यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको मेंशन करेंगे तो फिर विरोधाभास हो जाएगा। कैसा कि ओनली सिंगल रिएक्टेंट ही कंपलसरी था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या आपने बोला था इसमें तो दो रिएक्टेंट हो गए, खुद सोचो दिमाग से, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, समझा भी दिया है, और इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वाला टाइप ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपसे बोला जा रहा है सर एक्टिविटी 1.8 को जरा बताएं, तो एक्टिविटी 1.8 को जरा बताते हैं, जरा देख लें भैया ध्यान से। एक्टिविटी 1.8 को जरा ध्यान से देखें, तो एक्टिविटी 1.8 को अगर भैया अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्टिविटी 1.8 के अंदर क्या बोला गया है, ध्यान देना मेरे बच्चों, ध्यान देना। आपसे बोला गया है ये हमने क्या ले लिया है, ये हमने एक चाइना क्ले से बनी हुई एक प्याली ले ली है, और इसके अंदर हमने एक पाउडर ले लिया है या सैंपल ले लिया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बेटा ध्यान दो, जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, AgCl, ठीक है। AgCl2 मत लिख देना, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सर मान लीजिए कभी कभी हमारे पास में कुछ सैंपल्स जो चाहिए वो नहीं मिलते हैं, तो क्या सिल्वर क्लोराइड को हम लोग बना नहीं सकते हैं, यार बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हो, चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं, दिमाग लगाते हैं। आपके केमिस्ट्री लैब के अंदर सिल्वर क्लोराइड का अगर सैंपल ना हो, ये पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, अगर ये ना हो तो आप इसको बना भी सकते हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन या एक्वस फॉर्म में आप इसको ले लेंगे, और ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, और ये बेटा ये एडिशनल बता रहा हूँ कि अगर मान लो ये सॉल्यूशन या ये सैंपल ना हो तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं, है ना, कोई टेंशन मत लेना आप ही। और सर NaCl नमक को पानी में डिस्टिल्ड वाटर में घोल करके उसको भी एक सॉल्यूशन फॉर्म में ले लो आप, सर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको मिलेगा AgCl और सोडियम नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन, और AgCl कैसे मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर के जरिए उसको छान लेंगे, पानी पानी लिक्विड लिक्विड यानी सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकल जाएगा, और जो रिमेनिंग है उसका सॉलिड पार्ट वो ऊपर रह जाएगा, वो सिल्वर क्लोराइड रहेगा। यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो आपको यहाँ पर एक प्रकार की रिएक्शन दिख रही है, देखो सिल्वर के साथ में नाइट्रेट जुड़ा था जो कि सिल्वर जा करके जुड़ गया किससे, क्लोराइड से, और यहाँ पर सोडियम आकर के जुड़ गया किससे, नाइट्रेट से। तो यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट ने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप लोग बोलते हो ना कि सर हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये, आखिर इनकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि अगर हमारे पास में हमें चाहिए हो कोई एक चीज़ और वो उस रूप में हमारे पास में अवेलेबल ना हो, अगर हमारी केमिस्ट्री अच्छी है, अगर हमारा साइंस अच्छा है, हमें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो हम जानते हैं कि ये सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये सोडियम क्या करेगा, सिल्वर को आकर के डिस्प्लेस कर देगा और इसके नाइट्रेट से आकर के खुद जुड़ जाएगा। अब ये सिल्वर अगर अकेला रह जाएगा
और यहाँ पर इसका क्लोराइड अकेला रह जाएगा, तो ये दोनों भी अनस्टेबल हैं, तो ये दोनों मजबूरी बस एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और हमारे को जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। आप लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स जब आप पढ़ोगे, ज़मीन के अंदर से बहुत सारी चीज़ें इम्प्योर फॉर्म में मिलती हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होती, तो वहाँ पर से भी हम क्या करते हैं, उसमें से प्योरिटी के रूप में, वो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो सैंपल हम प्योरिटी फॉर्म में चाह रहे हैं उसको प्योरिटी फॉर्म में लेने के लिए हमें इसी प्रकार से रिएक्शन करनी रहती है। तो एक ऐसा सब्सटेंस रिएक्टेंट के रूप में लेते हैं जो कि कम पैसे का होता है, सस्ता होता है, उसको हम रिएक्ट कराते हैं और वो आकर के उस गंदगी के साथ में रिएक्ट कर लेता है और वो अपना एक नया कंपाउंड बना लेता है और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है जिस चीज़ को निकालना, वो हमारा अलग हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है और वो हम उसको उसमें से अलग कर लेते हैं। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर, समझ में आया? तो इन सब का यूज़ है। तो इस प्रकार से भैया सिल्वर क्लोराइड बना सकते हो। तो अभी रिएक्शन नहीं कराई, अभी तो जस्ट मैंने बताया कि सिल्वर क्लोराइड अगर सैंपल अगर आपके पास में अवेलेबल ना हो तो सिल्वर क्लोराइड आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये आपकी बुकों में नहीं दिया गया है, ये जस्ट मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अब आप लोग यार मेरा चैनल क्यों देख रहे हो, इसलिए देख रहे हैं ना कि एक तो हमें बिल्कुल सटीक नॉलेज मिले और इसके साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मिल जाए, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्याली है जिसके अंदर हमने सिल्वर क्लोराइड ले लिया है, अब हम खिड़की खोल देंगे और इसमें से जो सन है उसकी लाइट यहाँ पर गिरेगी। गिरने से पहले हम एक काम करेंगे, जब हमने ये देखा, जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं गिरी थी, तो इसका कलर कैसा था? इसका कलर था वाइट। हमने क्या किया, एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, छोटा सा एक टुकड़ा हमने इसके ऊपर रख दिया और फिर हमने खिड़की खोली, सूरज का प्रकाश इसके ऊपर गिरा। गिरने के बाद में देखो बेटा क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड हमारे पास में था, सूरज की रोशनी गिर रही है तो एच न्यू के रूप में भी लिख सकते हो, सनलाइट के रूप में भी लिख सकते हो, एच न्यू का मतलब होता है सनलाइट ही, ठीक है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए ये यूज़ किया जाता है, यूवी भी लिख सकते हैं या फिर लाइट के लिए ही आप सो सिंपल लाइट लिख रहे हैं, ठीक है? तो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा, इसमें सिल्वर सिल्वर बचेगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी, ठीक है? यहाँ पर जो सिल्वर रहेगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर सिल्वर हमारा हो जाएगा, जब क्लोरीन इसमें से निकल जाएगी तो ये हो जाएगा ब्लैक, हल्का सा ग्रे कलर का हो जाएगा, ब्लैक टाइप का हो जाएगा। और ये कैसा था शुरुआत में, जब इसके ऊपर रोशनी नहीं गिरी थी तो ये था वाइट कलर की। सर आपने यहाँ पर इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा था, वो किस लिए, जब इसके ऊपर रोशनी गिरेगी तो ये काला पड़ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद हम जब इस ऑब्जेक्ट को हटा देंगे यहाँ से तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चलेगा। देखो बाकी सारी सरफेस ब्लैक हो गई है और जिस सरफेस पर सूरज की रोशनी नहीं गिरी थी वो अभी भी वाइट है। इसका मतलब मैंने आपको आइडेंटिफाई करना बताया था केमिकल रिएक्शन को, कि अगर किसी का कलर चेंज हो जाता है तो क्या कहते हैं हम, केमिकल रिएक्शन हुई है। ध्यान करो, सबसे पहला वीडियो देखो जा करके, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे पता करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी एक सिंगल रिएक्टेंट लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो गया है, इसी को भी, इसको हम क्या कहेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एक क्या है, एग्जांपल है, ठीक है? अच्छा, इसी प्रकार से बेटा यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड लिया है, अगर मान लीजिए आपके पास में सिल्वर ब्रोमाइड होता तो, सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन होता तो सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन होता वो भी वाइट कलर का होता, उसमें भी अगर हम सनलाइट को अगर गिराते तो वहाँ पर भी हमको सिल्वर ही मिलता, वो भी ब्लैक कलर का ही मिलता। और यहाँ से अब क्लोरीन गैस तो निकलेगी नहीं क्योंकि है ही नहीं रिएक्टेंट में, ब्रोमीन गैस निकलेगी, ठीक है? ये गैसियस फॉर्म में है इसलिए हम इसको ऐसा कर देते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा इसलिए हम इसे एस लिख देंगे ये भी सॉलिड फॉर्म में था, पाउडर फॉर्म में था इसलिए हमने इसको सॉलिड लिख दिया। ये वाला सर कहाँ दिया हुआ है, ये जस्ट इसके पीछे वाली अगर रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर ये बताया गया है, ठीक है? एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर जो ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो ये दिया गया है, इसका उपयोग, इसका सर रियलिटी में हम कहाँ उपयोग करते हैं, इसका उपयोग बेटा हम फोटोग्राफी के लिए करते हैं, फ़ोटो वगैरह बनाने के लिए करते हैं। जो आप लोगों ने नेगेटिव्स देखे होंगे, या पहले पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो चलते थे, तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को प्रिंट करने के लिए, प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए इन्हीं रिएक्शंस का यूज़ होता था, सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह सॉल्यूशंस का यूज़ होता था, उसमें डिकम्पोजिशन करते थे और इस तरीके से ये क्या करते थे, प्रॉपर तरीके से ब्लैक एंड वाइट कलर का
बनाते थे फोटो। सर कैसे बनाते होंगे, दिमाग लगाओ ना, ब्लैक एंड व्हाइट बोल तो रहा हूँ, जिस जिस जगह पर व्हाइट व्हाइट है उस जगह पर क्या होता होगा, सूरज का रोशनी नहीं गिरता होगा। जिस जिस जगह पर ब्लैक ब्लैक आ रहा है फोटो में, उस जगह पर सूरज की रोशनी गिरती होगी, वही फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इस प्रकार से बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो एंडोथर्मिक जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं, देखना जरा ध्यान से, एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपको अभी बता चुका हूँ मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता रहा था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैं आपको ये बता रहा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं उनको बेटा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो किताब में लिखा हुआ है, अब मैं इसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ब्रेक होने के लिए। ध्यान देना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ब्रेक होने के लिए। जैसे सर आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया था वो भी एक एनर्जी है, आपने सनलाइट दी वो भी एक एनर्जी है, आपने शुरुआत में जो हीट दी थी वो भी एक क्या है, एनर्जी ही है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, हमें हीट चाहिए रहती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए रहती है, यहाँ पर हमें हीट चाहिए रहती है, और यहाँ पर जब हीट मिलती है एनर्जी मिलती है, कुछ भी समझ लें, ये सब क्या है, एनर्जी के ही फॉर्म है। जब इन्हें एनर्जी मिलती है तो एनर्जी मिलने पर ये क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। सर एनर्जी किस किस रूप में मिलती है, लिखा हुआ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इनको एनर्जी मिलती है ताकि ये रिएक्टेंट क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, ऐसी रिएक्शन, अब ध्यान देना, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन को होने के लिए अगर एनर्जी चाहिए हो, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही वो अपनी रिएक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो, तो ऐसी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए ना। तो क्या सर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जितनी भी होंगी जिनको प्रोसीड होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ। तो सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी तो डिकम्पोज होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखती है, तो क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है क्या? ये क्वेश्चन आपके लिए है, छोटा सा ही तो क्वेश्चन है यार। कमेंट में जल्दी से मेरे को आंसर देके बताओ, ठीक है? जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर मैं कमेंट में पिंड कर दूंगा, सबसे ऊपर उसका आंसर मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है भैया? अच्छा, आज आप लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने पढ़ा दिया है, अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दूंगा, ठीक है? जैसे मैंने अभी इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो बताई थी ना, जो आप लोग बोल रहे हो सर आपने पढ़ाई तो थी नहीं सर, वो तो दिमाग से ऊपर से निकल गई, वो नेक्स्ट आएगी तो उसमें बता दूंगा, ठीक है? तो आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है? और इसी प्रकार से मैं आप लोगों को कंटिन्यू कंटेंट देता जाऊंगा, ठीक है? आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला देना है ज़रूरतमंद बच्चों को जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, जो लोग कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग आ जा नहीं सकते हैं, घर पर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, सभी के पास में ये कंटेंट पहुँचे ताकि हर बच्चा मेरा शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित रहेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है भैया? तो इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देव कोचिंग क्लासेस से इसी प्रकार से आप जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें, ठीक है? धन्यवाद।